डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है वैंडरवाल फोर्स। फॉलो करते हो बात को? पिछला दिन हम लोग लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े थे जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। आज उससे भी एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है जी? वैंडरवाल फोर्स। तो वैंडरवाल फोर्स क्या है जी? इट इज ए वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ओके, और इसका अलग अलग टाइप के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्या है पता है आपको? पहला है ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। रे बाबू, ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बीच में इंटरेक्शन होता है। यहां पर वैंडरवाल फोर्स का एक टाइप है। हम लोग यहां थ्री टाइप्स का बात करेंगे, एक डायपोल डायपोल के चलते, एक डायपोल इंड्यूस डायपोल के चलते, और तीसरा इंड्यूस डायपोल या उसको इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलते हैं और इंड्यूस डायपोल बोलते हैं। फॉलो करते हो बात को? क्लियर है जी? तो देखेंगे हम लोग क्या बात करते हैं जी इस केस में। सबसे पहले ड्यू टू डायपोल डायपोल मतलब क्या रे? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्ट बिटवीन या ऑपरेट बिटवीन, हम लोग बात करते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जैसे क्या जी? ए प्लस है और ये बी माइनस है, और ए प्लस है और ये बी माइनस है, तो ये क्या हो गया? ये भी एक डायपोल है, ये भी एक डायपोल है। तो एक्चुअली ये क्या है? पोलर है। और ये भी क्या है? रे बाबू, पोलर है। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा जी, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन होगा। और इसी अट्रैक्शन का एक दूसरा नाम भी है जी, ये वैंडरवाल का एक टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं किसम फोर्स या कोसम भी बोलते हैं, किसम फोर्स। फॉलो करते हो बात को? क्या बोलते हैं जी? किसम फोर्स। मतलब पहला जो डायपोल, देखो ये भी डायपोल, ये भी डायपोल, यहाँ चार्ज सेपरेट है जी। तो हम लोग बात करते हैं क्या जी, इसको क्या बोलते हैं? पोलर। इसको भी क्या बोलते हैं? पोलर। तो नेचुरल बात है पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है? किसम फोर्सेस। क्या बोलते हैं जी? कोसम बोलिए या किसम बोलिए, फॉलो करते हो बात को? किसम फोर्स। फॉलो करते हो बात को? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बिटवीन HCl, यही होगा जी, HCl के बीच में, HBr के बीच में, HI के बीच में। फॉलो करते हो बात को? हम लोग बात करते हैं H2S के बीच में, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल दीजिए, HF भी पोलर है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है पता ना आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए एग्जांपल नहीं होगा। H2S2 के बीच में ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां क्या होता है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ध्यान रखना जरा। हम लोग बात करते हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां वैंडरवाल का बात नहीं करेंगे, फॉलो करते हो बात को? और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होगा बता चुके हैं आपको पहले। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं जी? पहला हो गया ड्यू टू डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, और ये हम लोग बात करते हैं किसके बीच में होता है जी? बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसका दूसरा नाम क्या है जी? किसम फोर्स। और यहां पर हम लोग बात करते हैं जो इंट्रैक्टिव फोर्स, हम लोग बात करते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी जो होता है, इंट्रैक्शन एनर्जी हम लोग बात करते हैं, ये दो चीज का डिपेंड करता है। हम लोग बात करते हैं अलग अलग केस में, अलग अलग कंडीशन में ये डिपेंड करता है किस पर जी? एक 1/r3 पर, और दूसरा क्या बात करते हैं? इंट्रैक्शन एनर्जी किस पर डिपेंड करता है जी? 1/r6 पर। ये कब होता है जी? ये होता है हम लोग बात करते हैं स्टेशनरी कंडीशन में, जब मॉलिक्यूल्स क्या होगा जी? स्टेशनरी होगा। तो क्या होगा? ए वाला आपको लगेगा, मतलब यार क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। उधर पढ़े थे आप कहां पर? वैंडरवाल फोर्स के बारे में थोड़ा चर्चा हुआ था ना जी, हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पढ़े थे आप? वहां स्ट्रेंथ किसका प्रोपोर्शन था? 1/r3 का, यही चीज हुआ था। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगर कंडीशन क्या हो जाए, मॉलिक्यूल रोटेटरी हो,
तो रोटेटरी कंडीशन में ये इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होता है जी, 1/6। ये रोटेटरी कंडीशन का है। अगर पोलर मॉलिक्यूल क्या रहे जी, रोटेटरी कंडीशन में रहे तो हम लोग बात करते हैं यहां पर इंट्रैक्शन एनर्जी परसेंट होगा 1/6। याद रखिएगा क्या बोले हम लोग, पहला डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं इसको, दूसरा एक किसके बीच में ऑपरेट करेगा जी, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, तीसरा बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, इसको कैशन फोर्स भी बोलते हैं, चौथा बात फोर्थ बात हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ जो इंट्रैक्शन एनर्जी होगा स्टेशनरी कंडीशन में, अगर स्टेशनरी होगा क्या जी पोलर मॉलिक्यूल तो किसका पोर्शन होगा 1/r3 का, किसका पोर्शन होगा जी 1/r3 का होगा, क्लियर है। और अगर हम लोग बात करें रोटेटरी कंडीशन में होगा पोलर मॉलिक्यूल तो ये किसका पोर्शन होगा जी 1/6। इतना बात आपको जानना है इसके बारे में, फॉलो करता हूं आपको। और ध्यान रखना है पोलर तो H2O भी होता है, पोलर तो HF भी होता है, बट वहां हम लोग नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉलो करता हूं आपको, देखेंगे उस केस में। अगला हम लोग क्या बात करते हैं जी, नेक्स्ट ड्यू टू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, क्या बात करते हैं सेकेंड कंडीशन में, ड्यू टू डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। तो इस केस में क्या होता है सो देखिए जरा सा आप, इस केस में हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहां पर एक पोलर होता है और दूसरा क्या होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब क्या जी, चार्ज सेपरेट नहीं हो, देख रहो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट नहीं है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, चार्ज सेपरेट हो गया, उसी को पोलर बोलते हैं हम लोग। तो नेचुरल बात है ये वाला तो पोलर है रे बाबू, मतलब ये क्या है डायपोल है, लेकिन ये वाला क्या है रे बाबू नॉन पोलर, क्या है नॉन पोलर। अब बोलो इस डायपोल के चलते इसका चार्ज सेपरेट नहीं होगा, मतलब इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उधर क्या चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बात करते हैं जी, उस डायपोल के चलते उस पोलर मॉलिक्यूल के चलते इसमें चार्ज सेपरेट हो जाएगा। कैसे जी, ये तो डायपोल है ये प्लस बी माइनस, लेकिन यहां पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा, मतलब इसके चलते इसका चार्ज सेपरेट हो गया। देख लो सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ, तो नेचुरल बात है अब ये भी ये तो डायपोल था ही, ये डायपोल था रे बाबू और इसके चलते इसमें इंड्यूस्ड हो गया डायपोल, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, क्या बोलते हैं रे बाबू इंड्यूस्ड डायपोल। फॉलो करते हो बात को, अब इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अब लगेगा ही, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है, अरे डी बाय करते हैं ना आप, डी बाय फोर्स बोलते हैं रे बाबू इसको, क्या बोलते हैं इसको जी डी बाय फोर्स। यहां पर क्या होगा, एक पोलर होगा दूसरा नॉन पोलर, कहने मतलब बिटवीन HCl और N2 के बीच में, बिटवीन HBr एंड H2 के बीच में, कहने मतलब इस केस में क्या होगा, एक पोलर होगा दूसरा नॉन पोलर, एक पोलर होगा दूसरा नॉन पोलर। तो नेचुरल बात है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, और ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और इस पोलर मॉलिक्यूल के चलते इस डायपोल के चलते इसमें डायपोल इंड्यूस हो जाता है, चार्ज सेपरेट हो जाता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, दूसरा नाम डी बाय फोर्स, क्या बोलते हैं जी डी बाय फोर्स। और यहां जो इंट्रैक्शन एनर्जी होता है मेरे बाबू, यहां इंट्रैक्शन एनर्जी याद रखिएगा, आजकल पूछता है इसको, यहां जो इंट्रैक्शन एनर्जी होता है मेरे बाबू ये प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r6, किसका होता है जी 1/r6। वहां पर क्या देखे थे पिछला वाला में हम लोग, 1/r3 का भी प्रोपोर्शनल था स्टेशनरी स्टेट में, और रोटेटरी कंडीशन में क्या था 1/r6 का प्रोपोर्शनल था। यार क्या है बार बार बोल रहे हैं वही वाला यार, जो हाइड्रोजन बॉन्ड में पड़े थे, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इतना सारा बात आपको याद रखना है किसके बारे में जी, डी बाय फोर्स के बारे में, मतलब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन के बारे में। और थर्ड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन हम लोग बात करते हैं, थर्ड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन क्या बात करते हैं जी, ड्यू टू इंड्यूस्ड डायपोल, या इसको हम लोग क्या बात करते हैं जी, इंस्टेंटेनियस डायपोल भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन के चलते होता है। ये किसके बीच में होगा जी,
बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, किसके बीच में होगा रे बाबू, दोनों नॉन पोलर, तो दोनों नॉन पोलर होगा तो क्या होगा, यहां पर देखिए इस केस में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, नॉन पोलर मतलब क्या होगा, चार्ज सेपरेट नहीं होगा, देख लो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों सेपरेट है नहीं है, एक तरफ सारा पॉजिटिव हो जाए एक तरफ सारा नेगेटिव चार्ज हो जाए तो चार्ज सेपरेट हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, पोलर। लेकिन यहां चार्ज सेपरेट नहीं है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। अब होता है क्या जी, अब मान लो कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें हम लोग बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी इधर हो गया मिलने का, सारा इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया इस पर नेगेटिव चार्ज, अगर सारा इलेक्ट्रॉन इधर हो गया इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं सारा इलेक्ट्रॉन किसी खास मोमेंट में इधर आ गया तो इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा जी, मतलब ये वाला चार्ज किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल या इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस शॉर्ट में लिख दिए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलिए या इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलते हैं। और इसके चलते अब क्या होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, देखो यहां चार्ज सेपरेट हो गया, इसके चलते अब इसमें क्या होगा रे बाबू, इसमें हो जाएगा डायपोल इंड्यूस्ड, क्या होगा इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा। तो कहने मतलब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलिए या इंड्यूस्ड डायपोल बोलिए, और ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड डायपोल। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में अट्रैक्शन होगा और इस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा पता है आपको, इसका नाम है जी लंदन फोर्स। लंदन कहा जी, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी, सात समुंदर पार वाला फोर्स, बहुत दूर वाला फोर्स। तो बोलिए जरा सा, फोर्स कमजोर होगा स्ट्रॉन्ग, अरे सात समुद्र वाला है यार, बहुत कमजोर होगा, समझ रहे ना निमोनिक्स क्या बोल रहे हैं। लंदन अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन का राजधानी कैपिटल, बहुत दूर, सात समुद्र पार, बहुत कमजोर फोर्स, फॉलो कर दो बात को। हाँ तो ये लंदन फोर्स या इसको क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको जी, लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं या सिंपली इसको हम लोग डिस्पर्सन फोर्स भी बोल सकते हैं, डिस्पर्सन फोर्स, फॉलो कर दो आपको। तो जो भी रे लंदन फोर्स बोलिए या लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ये सात समुद्र वाला फोर्स है, ये कमजोर होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, कमजोर होगा जी, क्या होगा, कमजोर होगा, फॉलो कर दो बात को। तो नेचुरल बात है सबसे कमजोर फोर्स इसमें कौन हुआ, यही वाला, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ जी, डायपोल, डायपोल वाला, फॉलो कर दो बात को। जिसको हम लोग बोले अपना भाषा में तो किसम फोर्स बोल सकते हैं शॉर्टली, किसम फोर्स क्या हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके बाद कौन हुआ जी, डी बाय फोर्स, उसके बाद कौन हुआ रे बाबू, उसके बाद सबसे कमजोर फोर्स कौन हुआ, सात समुद्र वाला लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, ये सात समुद्र वाला फोर्स सबसे कमजोर फोर्स होता है, फॉलो कर दो बात को। और यहां पर भी हम लोग बात करते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी का, तो इंट्रैक्शन एनर्जी किसका प्रश्न होता है जी, 1/r6 का, इस केस में याद रखिएगा, यहां भी इंट्रैक्शन एनर्जी जो होगा रे बाबू ये होगा प्रोपोर्शनल टू, इंट्रैक्शन एनर्जी किसका प्रश्न होगा, 1/r6 का, किसका जी, 1/r6, ये r क्या है जी, ये r है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके तो हम लोग क्या बात किए, ये चार जगह इसका चर्चा हुआ, डायपोल डायपोल में हुआ, स्टेशनरी कंडीशन में 1/r3, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोटेटरी कंडीशन में 1/r6, फिर हम लोग क्या बात किए जी, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में, वहां पर क्या हुआ 1/r6 का प्रोपोर्शनल, और फिर हम लोग क्या बात करते हैं जी, इंड्यूस डायपोल या इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल के बीच में, और इसको क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स, और लंदन फोर्स के केस में क्या हुआ, इंट्रैक्शन एनर्जी 1/r6, कहने मतलब सब केस में 1/r6 हुआ जी। खाली याद रखिएगा पोलर मॉलिक्यूल के केस में डायपोल डायपोल के बीच में जो था उसमें स्टेशनरी कंडीशन में 1/r3, और यही चीज वहां भी होता था, कहां बता रहा आपको, हाइड्रोजन मोन में, क्वेश्चन आ चुका है वहां से, ध्यान रखिएगा जरा, हाइड्रोजन मोन में क्या होता है जी, प्रोपोर्शनल टू 1/r3, क्लियर है।
कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बात आबाद रखेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या जी, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस केस में हम लोग बात करते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल वाला, अरे बिटवीन एच टू एन टू सब नॉन पोलर वाला, सी एल टू हम लोग बात करते हैं, ओ टू सब नॉन पोलर वाला में, एंड ऑल इनर्ट गैस, याद रखिएगा सारा इनर्ट गैस में कौन फोर्स होता है जी, अरे वही लंदन वाला, बहुत दूर वाला। इसलिए ना देखते हैं ना आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है ना जी, और जैसे ही इनर्ट गैस शुरू हो जाता है हीलियम नियॉन आर्गन एकदम लास्ट में जीरो ग्रुप में, ये सब में क्या होता है जी साइज जबरदस्त बढ़ता है, देखिएगा इधर से इधर साइज घटेगा, दुनिया का सारा चीज इधर से इधर बढ़ता है, आयनेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेकिन एटॉमिक साइज क्या होता है इधर से इधर घटता है, कहां तक, यहीं तक ग्रुप 17 तक, लेकिन जीरो ग्रुप में इनर्ट गैस में जैसे आप आइएगा हीलियम नियॉन आर्गन में तो क्या होगा जी, देखिएगा साइज जबरदस्त बढ़ जाता है क्योंकि इसके बीच में इंट्रेक्शन कम होता है, तो साइज हम लोग किसके किसके इसके इसके बीच का डिस्टेंस रहते हैं ना जी, तो ये लंदन वाला फोर्स है तो कमजोर फोर्स है तो दूरी ज्यादा नहीं हो जाएगा, इसलिए साइज हम लोग क्या बात करते हैं जी जबरदस्त बढ़ जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का बात नहीं करते हैं, इधर से इधर यहाँ तक बढ़ेगा, कहां तक, इनर्ट गैस से पहले हेलोजन तक, लेकिन उसके बाद जैसे इनर्ट गैस में घुसिएगा साइज जबरदस्त बढ़ जाता है ड्यू टू दिस फोर्स, लंदन फोर्स, ग्रेट ब्रिटेन का राजधानी वाला फोर्स, बहुत दूर वाला फोर्स, कमजोर फोर्स, फॉलो कर दो बात को, तो नेचुरल बात है इसका एग्जांपल क्या होगा, H2N2Cl2O2 एंड ऑल इनर्ट गैस, क्लियर, तीनों फोर्स क्लियर हुआ। अब यहां पर कुछ कुछ फोर्स भंडवार में बहुत लोग पढ़ते होंगे इधर उधर किताब में, आयन, अब लोग बात करते हैं डायपोल इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, दीज आर नॉट भंडवार फोर्स, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, आपको जब भी कोई कंफ्यूजन हो आपका सिलेबस एनसीईआरटी है ना तो जरा उससे देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है आयन डायपोल इंट्रैक्शन इज नॉट ए भंडवार फोर्स, इसलिए आप इधर उधर देख के कंफ्यूज मत करिएगा, वो भंडवार फोर्स नहीं है, भंडवार फोर्स में हम लोग मेनली यही तीन का बात करते हैं, किसका किसका, क्यूशम डी बाय एंड लंदन फोर्स, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे दिक्कत होगा। अब देखते हैं जरा सा ये इंटर मोलिकुलर फोर्स है रे, तो इस पर तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा ना बाबू, क्योंकि मोलिकुल मोलिकुल के बीच का फोर्स है, तो नेचुरल बात है यहाँ पर भंडवार फोर्स किस पर डिपेंड करता है जी, मोलिकुलर वेट पर, किस पर डिपेंड करता है जी, मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है रे बाबू, तो मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा भंडवार फोर्स बढ़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड में भी डिस्कस किए थे ना, तो देखिए जरा जब लोग बात करते हैं सॉरी, भंडवार फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट, और अगर मोलिकुलर वेट दोनों में इक्वल हो जाए तो ध्यान रखना जरा मोलिकुलर साइज का वहां बात करते हैं हम लोग, अगर मोलिकुलर वेट अगर इक्वल हो जाए तो किसका बात करते हैं जी, मोलिकुलर साइज का, क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, या कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी बात करता है, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, तो वहां पर पोलराइजेशन का बात ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से, इसलिए हम लोग क्या बात करते हैं, इंट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, भंडवार फोर्स भी बढ़ जाता है, देखेंगे आगे आप। अगला हम लोग क्या बात करते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी बात कर सकते हैं आप, तो जो भी हम लोग जनरली मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर साइज लेके क्लियर करते हैं इसको, तो हम लोग बात करते हैं इस केस में, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं क्या, जैसे एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू, इसमें भंडवार फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होगा जी, किसमें होगा जी, इधर से इधर मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो ऐसे ही बढ़ेगा, फॉलो करते हैं बात को, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही बढ़ेगा जी। अगला बात करें हीलियम नियॉन, इसमें लंदन फोर्स होता है, नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन, और हम लोग क्या बात करते हैं रेडन, फॉलो करते हैं बात को, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, फॉलो करते हो बात को, क्लियर है ना जी, तो नेचुरल बात है यहां पर भी ऐसे ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बोलो ना आप। अगला पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कुछ एग्जांपल, जैसे क्या, ये तो प्योर भंडवार फोर्स वाला सब है, खिचड़ी करके एग्जांपल दे देता है, जैसे HF HBr HCl या ऐसे दे देगा HF HCl
एच बी आर एच आई। तो क्या बोले थे, अरे एच एफ आ गया, अच्छा फ्लोरीन आ गया, अरे ऑक्सीजन आ गया, अरे नाइट्रोजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला केस हो गया, पढ़े थे पिछला क्लास में हम लोग। और इधर क्या हो जाएगा, अरे जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा इंटरनल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वैन डर वाल। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहाँ वैन डर वाल फोर्स का बात करेंगे। और वैन डर वाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पर। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, एच आई का। इसलिए दो नंबर में कौन आ जाएगा, अरे बाबू एच आई, फिर एच बी आर, और सबसे लास्ट में कौन, एच सी एल। यही होगा जी, फॉलो करते हो बात को, ये ऑर्डर होगा बॉलिंग पॉइंट का या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फॉलो करो आपको, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड। और इधर क्या होगा, जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं वहां वैन डर वाल फोर्स। और आपको बता चुके थे पिछला क्लास में, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर फोर्स है किससे जी, वैन डर वाल फोर्स से। इसलिए इसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो सब के रिस्पेक्ट में। क्लियर है जी, वैन डर वाल फोर्स हाइड्रोजन में जंग होगा, जंग कौन जीतेगा, कौन पावरफुल है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का, जहां पर मॉलिकुलर वेट तो सेम है लेकिन मॉलिकुलर साइज अलग अलग है जी, फॉलो करते हो बात को। जैसे क्या बात करते हैं, CH3 CH2, पूरा देखिएगा अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैन डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड परेशान करेगा आपको। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करो तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, ऑक्सीजन है। अगर अल्कोहल का बात करो हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन है। एमाइंस का बात करो हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, वहां पर क्या है जी, नाइट्रोजन है। तो ये तीनों का सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें बॉलिंग पॉइंट का किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर किसका होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड डाइमर बनाता है वो। सेकेंड कौन जी, अल्कोहल। थर्ड कौन, एमाइंस। और बाद बाकी जो भी है, कीटोन, एल्डिहाइड, हम लोग बात करते हैं क्या जी, इथर, हेलो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्काइन, एल्किन, फिर एल्केन। ये सब सबका ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब ये तीन छोड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या बात करते हैं अल्कोहल, फिर क्या बात करते हैं बाबू एमाइंस, ये तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड, बाद बाकी में सब में यही वाला फोर्स वाला लगेगा। तो उस पर किस पर डिपेंड करेगा, वो मॉलिक्यूलर वेट पर। तो नेचुरल बात है CH3 एल्केन है, यहां पर वैन डर वाल फोर्स लगेगा CH2 CH3। अगला देखिए, यहां CH3 CH2 CH3। अगला अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखिए तो क्या होगा इस केस में, देखो इसको क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, आइसो पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। तो बोलो ये तीनों में ऑर्डर ऑफ बॉलिंग पॉइंट क्या होगा, ये तीनों का मोलिकुलर वेट तो सेम है, तो किसके साथ जाएंगे हम लोग, मोलिकुलर साइज के साथ। और मोलिकुलर साइज इधर से इधर क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है, पता है ना आपको। लाइन में आपको खड़ा कर दें पूरा क्लास को तो बहुत दूर तक आप चले जाइएगा, मतलब साइज बढ़ जाएगा। और एक ही क्लासरूम में मिडिल का बच्चा अगर सेंटर है, उसके चारों ओर ब्रांचिंग कर दीजिए तो एक क्लासरूम में सारा बच्चा आ जाएगा, आ जाएगा जी। तो बोलो ब्रांचिंग होने से साइज क्या होता है, घट जाता है और स्टेट होगा इस तरह से, तो क्या होगा जी, साइज बढ़ जाएगा, फॉलो करते हो बात को। मतलब यहाँ साइज बड़ा है, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रहा है क्या हो रहा है जी, साइज मॉलिक्यूलर साइज घट रहा है, घट रहा है ना। तो मॉलिक्यूलर साइज घट रहा है तो सबसे कम वैन डर वाल फोर्स किसमें लगेगा जी, जिसका साइज कब से छोटा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगा, इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन। इसका साइज सबसे छोटा, इससे थोड़ा बड़ा किसका होगा, आइसोपेंटेन का। और उससे भी बड़ा किसका होगा, स्टेट चेन वाला का, किसका जी, एन पेंटेन बोलते हैं इसको, स्टेट चेन वाला। क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। तो बोलो सबसे ज्यादा साइज इसका, तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल फोर्स इसमें, तो सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका होगा, अरे बाबू एन पेंटेन का। उससे थोड़ा कम क्योंकि साइज छोटा हो गया, ब्रांचिंग थोड़ा हो गया आइसो वाला में, तो इसमें वैन डर वाल फोर्स उससे कम। और सबसे कम किसमें होगा, अरे बाबू नियो वाला में, समझ रहे हो बात को। तो बॉलिंग पॉइंट भी हम लोग निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जी, किसके मदद से, वैन डर वाल फोर्स की मदद से। मॉलिक्यूलर वेट अगर अनइक्वल है तब तो ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट इक्वल है तो फिर किसके साथ बात करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर साइज के साथ, फॉलो कर दो बात को। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज घटेगा रे बाबू, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगा रे बाबू, वैन डर वाल फोर्स घटेगा तो बॉलिंग पॉइंट घटेगा। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट वैन डर वाल फोर्स। इतना जानने के बाद आपका फिर क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा, इतना बात आप ध्यान रखिए।
फिर सारा क्वेश्चन बनेगा, टेंशन लेने का नहीं, फॉलो करते हो बात को। चलिए अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।